हे गाइस वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, अगर आपको आपके फ़ोन में Realme UI 3.2 का अपडेट मिल गया है और आपने इस अपडेट को इंस्टॉल कर लिया है और आप Realme UI 3.2 के बारे में जानना चाहते हैं तो आपने बिल्कुल सही वीडियो को चूज़ किया है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ Realme UI 3.2 के नए फीचर्स के बारे में, कैसे आप उनको यूज़ कर सकते हैं, कैसे आप उनको इनेबल कर सकते हैं, साथ ही कैसा इसका लुक आपको देखने के लिए मिलता है, ये सभी कुछ आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो गाइस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए गाइस विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। अब अगर हम बात करें इसके फीचर्स की, तो जो यहाँ पर पहला आपको चेंजेस देखने के लिए मिलता है वो मिलता है नोटिफिकेशन पैनल में। यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन पैनल का जो डिज़ाइन है वो पूरा ही डिफरेंट देखने के लिए मिलेगा। फीचर की अगर बात करें तो यहाँ पर आप सबसे ऊपर देख सकते हैं जो मीडिया आउटपुट का ऑप्शन है, तो यहाँ पर आप अगर अपने EP लगा रखा है या फिर स्पीकर जिससे भी आप आउटपुट देना चाहते हैं उसको आप यहाँ से स्विच कर सकते हैं बड़े ही आसान तरीके से। तो ये काफ़ी एक अच्छा नया फीचर जो है यहाँ पर इन्होंने दे दिया है। इसके अलावा नेक्स्ट फीचर की बात करें तो वो भी आपको नोटिफिकेशन पैनल में ही देखने के लिए मिलता है। तो अगर आप मोबाइल डेटा का यूज़ करते हैं तो आप यहाँ से जो अगर आप दो सिम यूज़ कर रहे हैं तो आप किसी भी सिम से डेटा का यूज़ करना चाहते हैं उसको आप यहाँ पर जो है स्विच कर सकते हैं ईजीली, जैसे कि मीडिया आउटपुट में अभी आपने देखा था। तो यहाँ पर भी आप इसको बड़े ईजीली जो है डेटा को स्विच कर सकते हैं। तो गाइज अगर अब बात की जाए इसके नेक्स्ट न्यू फीचर की, तो वो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है बैकग्राउंड म्यूजिक का। तो अगर आप कोई भी वीडियो को प्ले करते हैं, जो भी वीडियो का प्लेइंग का आपकी एप्लीकेशन है उसको आप ओपन करके अगर वीडियो आप प्ले करते हैं और उसके बाद अगर साइड बार को आप ऐसे स्लाइड करते हैं तो आपको यहाँ पर बैकग्राउंड स्ट्रीम का एक ऑप्शन मिलेगा। सिंपली आपको उसको क्लिक कर देना है तो जो भी आपका यहाँ पर म्यूजिक है वो बैकग्राउंड में जो है वो प्ले होने लगेगा और उसके साथ आप अपना जो दूसरा काम है वो यहाँ पर कर सकते हैं। आप यहाँ पर आवाज़ सुन सकते हैं कि बैकग्राउंड में जो है म्यूजिक प्ले हो रहा है और यहाँ पर आप अपना कोई भी जो दूसरा ऑपरेशन है वो यहाँ पर परफॉर्म कर सकते हैं। अब अगर ये आपके फ़ोन में ये जो ऑप्शन है वो अवेलेबल नहीं है तो इसको ऑन कहाँ से करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो उसको ऑन करने के लिए आपको अपने फ़ोन की सेटिंग्स में जाना है। फ़ोन की सेटिंग्स में जाके आपको इसमें स्पेशल फीचर्स का ऑप्शन मिलेगा, इसमें जाना है और यहाँ पर आपको स्मार्ट साइड बार का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। अगर स्मार्ट साइड बार आपके में ओपन नहीं है, यहाँ पर डिसेबल है इस तरीके से, तो आपको उसको पहले इनेबल कर देना है और उसके साथ ही यहाँ पर स्मार्ट रिकमेंडेशन का भी जो ऑप्शन है उसको भी आपको इनेबल करना है, तभी आपको जो बैकग्राउंड म्यूजिक प्लेइंग का यहाँ पर ऑप्शन मिलता है वो देखने के लिए मिल पाएगा। अब अगर आप इसको बंद करना चाहते तो सिंपली आपको यहाँ से एक्सिट बैकग्राउंड म्यूजिक कर देना है तो आपका जो म्यूजिक बैकग्राउंड में प्ले हो रहा था वो यहाँ पर बंद हो जाएगा। तो गाइज अगर अब बात करें इसके नेक्स्ट न्यू फीचर के बारे में, तो यहाँ पर जो इस एप्लीकेशन में आपको UI 3.2 में जो फ़ोन मैनेजर आपको मिलता है वो आपको जो है यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट देखने के लिए मिलेगा UI 2.0 से। यहाँ पर इसमें क्लीन अप का ऑप्शन दिया गया है, वायरस स्कैन का ऑप्शन भी यहाँ पर जो है वो आ चुका है जो कि पहले UI 2.0 से हटा दिया गया था। तो आप अपने फ़ोन को यहाँ पर वायरस के लिए स्कैन भी कर सकते हैं, साथ ही आपको यहाँ से जो क्लीन अप स्टोरेज का ऑप्शन है वो भी मिल जाएगा, प्राइवेसी परमिशंस भी आप यहाँ से जा सकते हैं और ऐप मैनेजमेंट भी जो है आप यहाँ से कर सकते हैं, साथ ही बैटरी को भी यहाँ से आप देख सकते हैं। क्लीनअप के ऑप्शन में आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको ये ऑप्शन भी जो है पहले देखने के लिए नहीं मिलता था, आप यहाँ से अपनी जंक फाइल्स जो है उसको क्लीन कर सकते हैं। साथ ही अगर आप डीप क्लीन करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर वन बाई वन ओपन करके आप सारे जो भी आपके फोटोज वीडियोज ऐप्स हैं उनको यहाँ से आप स्टोरेज को क्लीन कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम इसके नेक्स्ट फीचर की बात करें तो वो आपको देखने के लिए मिलता है यहाँ पर पर्सनलाइजेशन में। तो सेटिंग्स में अगर आप ओपन करके इसको पर्सनलाइजेशन को ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको जो काफी कुछ ऑप्शन से वो पहले भी देखने के लिए मिलते थे, लेकिन यहाँ पर आपको जो इसका लेआउट है वो चेंज देखने के लिए मिलेगा। साथ ही जब आप इसमें कलर्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो आपके फ़ोन की जो भी थीम होती है सेटिंग्स की, आपके नोटिफिकेशन पैनल की, यहाँ पर जो भी सब आइकन्स के कलर्स रहते हैं वो आप यहाँ से डिफ़ॉल्ट सेट कर सकते हैं। ट्रेंडी, क्लासी, बहुत तरीके के यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, साथ ही इसमें कस्टम का भी ऑप्शन मिलता है और इसके अलावा इसमें एक यहाँ पर नया जो ऑप्शन है वॉलपेपर कलर पिकिंग का ऑप्शन है। इसको अगर आप क्लिक करेंगे तो जो भी आपने वॉलपेपर सेट किया हुआ है उसके ऊपर कुछ आइकन्स जो है डॉट्स यहाँ पर बन जाएंगे, उन डॉट्स को आप अपने हिसाब से इधर सेलेक्ट कर सकते हैं जो भी कलर्स को आप चूज़ करना चाहते हैं। इसको करके जब आप ओके करेंगे तो यहाँ पर जो भी सेटिंग्स के यहाँ पर आइकन्स हैं का जो कलर है वो आपके वॉलपेपर के हिसाब से थीम हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूरे सेटिंग्स के जो आइकन है पूरे रेड हो चुके हैं जो कि वॉलपेपर का कलर था। साथ ही यहाँ पर आप नोटिफिकेशन पैनल में भी देख सकते हैं कि जो इसका कलर है वो पूरा चेंज हो चुका है। तो ये यहाँ पर जो है एक नया फीचर आपको
देखने के लिए मिलता है पर्सनलाइजेशन में। अगर इसके अलावा आप इसको चेंज कर देंगे, आप डिफॉल्ट पे रखेंगे, तो फिर आपको यहाँ पर सेटिंग्स के जो आइकन है वो अलग ही कलरफुल देखने के लिए मिलेंगे। तो ये यहाँ पर एक नया ऑप्शन दिया गया है। इसके बाद दोस्तों अगर इसके नेक्स्ट न्यू फीचर की बात की जाए तो वो है यहाँ पर फ्लोटिंग विंडो। हालांकि ये जो फीचर है फ्लोटिंग विंडो का वो रियलमी यूआई 2.0 में भी था, लेकिन यहाँ पर 3.0 में इसको काफी अच्छे से कस्टमाइज किया गया है। जैसे ही आप साइड बार को ओपन करते हैं और यहाँ पर आप इस पर टैप कर देते हैं तो आपकी जो भी एप्लीकेशन है वो यहाँ पर आपको ओपन हो जाएगी फ्लोटिंग विंडो के रूप में। आप इसको चाहें तो आसानी से, बड़ी आसानी से इसको मूव कर सकते हैं, इसको आप यहाँ से रिसाइज बड़े इजीली कर सकते हैं। अगर आप इसको हाइड करना चाहते हैं तो आपको इसको हाइड करने का ऑप्शन भी यहाँ पर मिल जाता है। ये मेन्यू विंडो बन गई। अगर आप इसको स्लाइड राइट साइड में स्लाइड कर देंगे या फिर लेफ्ट साइड में तो ये इस तरीके से हाइड हो जाएगी। जब आपको ओपन करना है तो आप इसको ऐसे करेंगे तो ये ओपन भी हो जाएगी, और अगर आप यहाँ पर सिंपल इसको डबल टैप करेंगे तो ये फुल स्क्रीन में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये यहाँ पर इसको काफ़ी अच्छे से कस्टमाइज कर दिया गया है रियलमी वाई 3.0 में। इसके बाद बात की जाए इसके नेक्स्ट न्यू फीचर की, तो वो आपको यहाँ पर इसके फोटो ऐप में देखने के लिए मिलता है। जैसे आप फोटो ऐप को ओपन करते हैं, ऊपर थ्री डॉट पर क्लिक करते हैं, सेटिंग्स में जाते हैं, तो आपको यहाँ पर एक शॉर्ट का ऑप्शन दिखता है। तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, न्यूएस्ट एट टॉप और न्यूएस्ट एट बॉटम। तो जो भी आप नए फोटो या फिर वीडियो जो भी है क्लिक करते हैं, आपके पास ऑप्शन है उसको सॉर्ट करने का कि जो नए फोटोज या वीडियोज हैं वो टॉप पे रहें या फिर वो बॉटम में रहें। तो ये आपको यहाँ पर एक नया जो फीचर है वो देखने के लिए मिलता है। इसके बाद बात की जाए इसके न्यू फीचर की, तो यहाँ पर आप अगर इसकी प्राइवेसी सेक्शन को देखेंगे तो उसमें आपको काफी कुछ यहाँ पर चेंजेस देखने के लिए मिलेंगे। एंड्रॉयड 12 में प्राइवेसी को लेकर काफी अच्छे फीचर दिए गए हैं जो कि यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर प्राइवेसी डैशबोर्ड देख सकते हैं, जिसमें कि आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि कौन सी एप्लीकेशन ने क्या क्या यहाँ पर आपका जो फोन या फिर कैमरा या फिर जो भी चीजें हैं वो यूज हुई हैं, आप उनको देख सकते हैं। यहाँ पर पूरी आप किन एप्लीकेशन ने आपकी लोकेशन एक्सेस की है, कैमरा या फिर माइक्रोफोन या फिर अदर जो भी परमिशन आपने दी हुई है या फिर फोन ने एक्सेस की है उसको आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर देखें तो आपको यहाँ पर दो स्पेशल डेडिकेटेड बटन देखने के लिए मिलते हैं, कैमरा एक्सेस और माइक्रोफोन एक्सेस का। अगर इसको आप डिसेबल कर देंगे तो फिर यहाँ पर आपकी परमिशन के बिना जो है कोई भी ऐप या सर्विस जो है कैमरा को या फिर माइक्रोफोन को एक्सेस नहीं कर पाएगी, चाहे वो इसकी डिफॉल्ट कैमरा ऐप ही क्यों ना हो। अगर आप कैमरा ऐप खोलेंगे और यहाँ से ये डिसेबल रहेगा तो आपकी कैमरा ऐप जो है ओपन नहीं होगी। तो यानी कि कोई भी अगर एप्लीकेशन आपकी परमिशन के बिना किसको कैमरा या फिर माइक्रोफोन को एक्सेस करेगी तो यहाँ पे वो एक्सेस उसको नहीं कर पाएगी। तो प्राइवेसी को लेकर काफी अच्छा फीचर यहाँ पर ये दिया गया है। इसको जब आप इनेबल करेंगे तभी आपकी जो भी परमिशन है वो ग्रांट होगी और आप उसको एक्सेस कर पाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर आपको एपलॉक हाइड है, प्राइवेट सेफ और सिस्टम क्लोनर का ऑप्शन भी यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें इसके न्यू फीचर या फिर चेंजेस की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो वॉल्यूम स्लाइड बार के जो बटन्स है वो यहाँ पर आपको थोड़े से डिफरेंट इसमें देखने के लिए मिलते हैं। हालांकि ये कोई नए फीचर नहीं है, लेकिन यहाँ पर लुक में जो है यहाँ पर चेंज किया गया, थोड़े से अट्रैक्टिव इनका डिजाइन जो है वो बना दिया गया है। इसके बाद जो नेक्स्ट फीचर है वो आपको बैटरी में देखने के लिए मिलेगा। बैटरी का यहाँ पर जो पूरा लेआउट है वो पूरा ही चेंज कर दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर नीचे आपको ग्राफ के थ्रू आपने कितनी फ़ोन आपका बैटरी यूज़ कर रहा है वो पूरा आप डिटेल में यहाँ पर देख सकते हैं। ऊपर आपको यहाँ पर जो ऑप्शन है वो पहले की तरह ही मिल जाते हैं, जिसमें स्क्रीन ऑन टाइम भी आपको दिख जाता है और उसके अलावा कितनी देर आपने की बैटरी जो है वो फुल चार्ज होने के बाद यूज़ हुई है। साथ में पावर सेविंग मोड, सुपर पावर सेविंग मोड, एडवांस सेटिंग, ये सभी कुछ आपको देखने के लिए मिल जाता है। तो ग्राफ जो यहाँ पर है, जिससे कि आप ये देख सकते हैं कि कैसे आपका फोन जो है बैटरी को कंज्यूम कर रहा है, काफी अच्छे तरीके से यहां पर आपको देखने के लिए मिल जाता है। तो गाइज ये थे यहाँ पर Realme UI 3.0 के कुछ टॉप फीचर्स। अगर आप इसके और भी फीचर्स को डिटेल में देखना चाहते हैं तो मैंने इसके लिए ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक दे दूंगा, ऊपर आई बटन में भी उसका आपको लिंक दे दूंगा, आप जाकर के उसको चेकआउट कर सकते हैं। तो गाइज इस वीडियो में बस इतना ही था, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।